जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त वक्त दोबारा नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। हम सब अपनी जिंदगी में सही उम्र और सही वक्त को ढूंढते रह जाते हैं कि जब हम अपने सपनों की उड़ान भरें, कब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला स्टेप रखें, लेकिन हमें वो सही उम्र और सही वक्त का पता ही नहीं लग पाता। लेकिन आज मैं आपको आपकी सही उम्र और सही वक्त बताने वाला हूँ सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों के लिए पहली उड़ान भरने के लिए, एक कहानी के जरिए। कहानी है एक आदमी की जो एक बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी के पास जाके पूछता कि बाबा जी मुझे बताइए कि मेरी सही उम्र क्या है, सही वक्त क्या है अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला स्टेप रखने की। बाबा जी बताते हैं कि ये बात तुम्हें मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम एक बच्चे बूढ़े जवान के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी सही उम्र और सही वक्त बता देंगे सपनों के लिए पहला स्टेप रखने के लिए। वो आदमी पहले एक बच्चे के पास जाता है। बच्चे से जाके पूछता है कि क्या तुम्हें सही वक्त पता है, सही उम्र पता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बच्चा कहता है कि मैं तो बचपने में हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, मुझे तो नहीं पता, आप किसी बड़े से पूछिए। वो आदमी फिर एक जवान आदमी के पास जाता है और जवान आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें सही उम्र और सही वक्त पता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो जवान आदमी कहता है अभी तो मेरी उम्र कुछ है नहीं, आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, किसी समझदार से पूछिए, वो आपको जरूर बता देगा सही वक्त और सही उम्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो आदमी फिर अंत में एक बुजुर्ग के पास जाता है। बुजुर्ग के पास जाकर पूछता है कि क्या आपको पता है सही उम्र और सही वक्त सपनों को पूरा करने के लिए। तो बुजुर्ग बताते हैं कि सही उम्र और सही वक्त तो एक बच्चे को पता होती है या फिर एक जवान को पता होती है, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे क्या ही पता। वो आदमी परेशान होकर बाबा जी के पास जाके पूछता है कि आपने मुझे तीन लोगों के पास तो भेजा, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी सही वक्त और सही उम्र नहीं पता थी, तो आप मुझे बताइए कि अब मुझे सही वक्त और सही उम्र कहां से पता लगेगी। तो बाबा जी बताते हैं कि तुमने तीन पीढ़ियों के पास जाकर देखा और तुम्हें पता लगा कि उन तीनों को ही नहीं पता कि सही वक्त और सही उम्र क्या है, तो मुझ जैसे बाबा को क्या पता होगी। लेकिन हाँ, एक सलाह दूंगा। सलाह यह है कि आज इसी मोमेंट में, यही वक्त में, यही उम्र में जो करना चाहते हो कर दो, क्योंकि ना तो बुढ़ापे में जान पाओगे, ना जवानी में पता लगी, ना हमें बचपन में पता होता है, क्योंकि हमें जो राइट टाइम मिलता है ना वो आज ही मिल जाता है। जो हमारी राइट एज होती है ना वो आज की एज होती है। आप बच्चे हैं तो क्या हुआ, आपके पास यही राइट एज है, यही राइट टाइम है। आप जवान है तो क्या हुआ, आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ, आपका यही टाइम है। हमारी लाइफ का जो राइट टाइम होता है ना वो हम ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन जो राइट टाइम होता है ना उसे हम गवा देते हैं सिर्फ सोच सोच के, क्योंकि राइट टाइम भी यही है, राइट एज भी यही है। यही उम्र है आपको नए दोस्त बनाने की, यही उम्र है आपके आपके सपने पूरे करने की, यही उम्र है आपको वो सपने सजाने की, यही उम्र है अपने फर्स्ट स्टेप रखने की, क्योंकि इस उम्र के बाद आप बूढ़े ही होंगे, कभी जवान नहीं रहेंगे। तो जवानी की यही उम्र, बुढ़ापे की भी यही उम्र, बचपने की भी यही उम्र, यही जो उम्र है, यही जो वक्त है, यही है राइट टाइम मेरे दोस्त, यही है राइट एज। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट एज और राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा, लेकिन राइट टाइम और राइट एज हम इसी मोमेंट को बना सकते हैं। तो अपने सपनों को आज ही पूरा कीजिए, अपने सपनों की उड़ान आज ही भरिए, क्योंकि यही राइट टाइम, यही राइट एज दोबारा नहीं आने वाली है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब लोग जान पाए कि उनका राइट टाइम और राइट एज अभी चल रही है, ना कि आने वाले कल में उन्हें पता लगेगी, ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं हर हफ्ते ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर साइनिंग ऑफ। हैव गुड डे।